नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश हैं राजस्थान की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। आज हो चुकी हैं 22 मार्च और बात कर लेते हैं देश विदेश और राजस्थान की बड़ी खबरों की। सबसे बड़ी खबर राजस्थान की बात करें, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें कि फौज से परेशान होकर इमरान खान ने की भारतीय सेना की तारीफ। रूसी सैनिकों ने रास्ता रोक रही यूक्रेनियों पर बरसाई गोलियां। इधर आपको बता दें कि इमरान खान ने कहा है कि भारतीय सेना करप्ट नहीं है, सरकार के काम में दखल नहीं देती। कुर्सी खतरे में आने पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के बोल बदल चुके हैं। पहले उन्होंने भारत सरकार की तारीफ की, उसके बाद भारतीय सेना की शान में कसीटी कर दिए और कहा है कि भारतीय सेना करप्ट नहीं है, वह सिविल गवर्नमेंट के काम में दखल नहीं देती। माना जा रहा है कि इसकी आड़ में उन्होंने अपने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को सरकार के काम में दखल न देने की नसीहत दी है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर की। आपको बता दें कि बीजेपी के सीएम पद के दावेदारों पर गहलोत का तंज। बोले, एक हो तो पटा लो या अनेक नेता हैं, केंद्र में ईस्टर्न कैनाल की पैरवी करें। मोदी और अमित शाह से मांग करते हुए बीजेपी नेता डरते हैं, पता नहीं क्यों इन दोनों का भय बैठ गया है, इसलिए हक की बात नहीं करते। सीएम गहलोत। ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा नेताओं पर यह बड़ी सुटकी ली है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, चुनाव के बाद जनता पर महंगाई की बड़ी मार। पेट्रोल 88 और डीजल 81 पैसे हुआ महंगा, रसोई गैस सिलेंडर में 50 रुपए का इजाफा। पिछले दिनों 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव पूरे होने के बाद अब केंद्र सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बड़ा बदलाव किया है। तेल गैस कंपनियों ने करीब 140 दिन के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। वहीं रसोई गैस की कीमतों में आपको बता दें कि 50 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा किया है। रसोई गैस की कीमतों में 5 महीने के बाद यह सबसे बड़ा इजाफा किया गया है। इससे पहले सरकार ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर राज्य में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों को देखते हुए पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में 31 अक्टूबर 2021 के बाद से बढ़ोतरी को रोक दिया है। कंपनियों की ओर से की गई इस बढ़ोतरी को देखते हुए कल से यानी आज से 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जयपुर में 107.94 रुपये और डीजल की कीमत 91.53 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपये प्रति सिलेंडर का इजाफा होने के बाद 22 मार्च से ये बाजार में 903.50 की जगह अब 953.50 रुपये में मिलेगा। हालांकि बात करें देश विदेश की अगली बड़ी खबर की, आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमले का आज 27वां दिन। जेलेंस्की बोले, नाटो बताएं हमें अपने साथ शामिल करेंगे या नहीं, सच ये है कि वे रूस से डरते हैं। रूस यूक्रेन जंग का आज 27वां दिन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो से 2 टुक लहजे में सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि नाटो साफ करेगी यूक्रेन को अपने अलायंस में जगह दे रहे हैं या फिर नहीं, जस्ट तो यह है कि वो रूस से डरते हैं। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन डोनबास के डोनेस्क और लुहांस्क के लगभग 2500 यूक्रेनी बच्चों को किडनैप करके रूस भेजने का आरोप लगाया गया है। बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें कि वासुदेव देवनानी बोले, सीएम गहलोत नैतिकता के आधार पर दें इस्तीफा। वैभव केस में सीटें अशोक गहलोत तक। डोटासरा बोले, वैभव के खाते में 1 रुपये का भी लेन देन नहीं। महाराष्ट्र के पर्यटन विभाग में ई टॉयलेट सहित सरकारी विभागों में टेंडर दिलाने के नाम पर 6.25 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर नासिक में FIR दर्ज हुई है। बीजेपी ने इस मामले पर वैभव गहलोत के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लपेटते हुए सियासी हमला बोल दिया है। पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने मांग की है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता हो तो मुख्यमंत्री को पद से त्याग पत्र देना चाहिए। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर राजधानी जयपुर से है। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड का निर्देश, जुलाई से 475 ट्रेनों में जनरल टिकट, तब तक तत्काल की तरह मिलेगा टिकट। करीब 7 दिन पहले रेलवे बोर्ड ने जनरल रेलवे को ट्रेनों के अनरिजर्व कोच में रिजर्वेशन टिकट जारी नहीं करने के निर्देश दिए थे, यानी इन कोचों में कोरोना से पहले की भांति जनरल टिकट जारी किए जाने थे, लेकिन कुछ जनरल रेलवे ने इसे शीघ्र लागू नहीं करने का निर्णय लिया है। इसको देखते हुए आपको बता दें कि 475 ट्रेनों में कोई जनरल टिकट, आपको बता दें कि इसको लेकर सबसे ये बड़ी खबर है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के शहर में 22 मार्च से 1 माह के लिए धारा 144 लागू। राजस्थान के कोटा जिले में मंगलवार सुबह 6 बजे से धारा 144 लागू करने के आदेश जिला कलेक्टर ने जारी कर दिए हैं। सोमवार को जारी इस आदेश में कहा गया है कि आने वाले दिनों में त्योहारों और वर्तमान में सिनेमाघरों में शामिल फिल्म द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर सुरक्षा के लिहाज से धारा 144 लागू करना आवश्यक है। आदेश में यह कहा गया है कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय रहते भीड़ के इकट्ठे होने के साथ ही जुलूस और सभाओं पर पाबंदी लगाने की जरूरत है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि बड़ी खबर, सिर्फ 2.5 मिनट में पास होगा आवेदन, बस करना होगा काम।
राजस्थान में अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल करने की राह आसान हो गई है। बस आपके जन आधार कार्ड हैं तो आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आवेदन के साथ ही जन आधार कार्ड लगाइए और उसके बाद पूरा सिस्टम अपने आप काम करेगा। अब वेरिफिकेशन या सर्टिफिकेट्स के बेवजह दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इसके लिए नया सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है जिसके बेहतरीन परिणाम सामने आ रहे हैं। ये थी राजस्थान की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें।